ज़हनी सुकून नहीं है, और अगर आपके पास ज़हनी सुकून नहीं है, कितना भी पैसा आपके पास हो, उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये ध्यान दीजिए कि बच्चा क्या कर रहा है। मुझे एक बात याद आती है, मैंने कहीं सुना था कि उन्होंने बताया था कि हमारे बाबूजी कहते थे कि बेटा जब सड़क की लाइट जलना शुरू हो जाए तो आप घर में आ जाओ, आप घर में आ जाओ। और हमारा बच्चा कब घर में आता है, कभी हमने केयर किया है? 10 बजे, 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे, आप गलियों में घूम लीजिए, सारे बच्चे मोबाइल लेकर के उसमें गेम खेल रहे होते हैं। हम अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं, कोई बुरी बात नहीं है सब कुछ देने में, मगर एक बात याद रखिएगा, आप जो कुछ भी दीजिए उसकी वैल्यू उसको बताइए। आप अगर उसकी वैल्यू नहीं बताते हैं तो यही समझेगा कि ये तो मेरे माँ बाप का अधिकार कर्तव्य है, वो इसको करेंगे, ये मेरा अधिकार है लेना। हर चीज़ बच्चों की ये ज़रूरी नहीं है कि तुरंत पूरी कर दी जाए, क्योंकि वो बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। वो जो माहौल को देखता है उस माहौल के हिसाब से वो हर चीज़ की डिमांड कर रहा है। और इस समय का जो माहौल, मैं थोड़ा सा उस पर ज़रूर तस्करा करूँगा, जो मोबाइल को लेकर के हमारे घरों में है, सबके घरों में है, इस पर हमको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। आप दूसरी सोसाइटी में अगर आप जाइएगा, हर चीज़ का एक समय है उनका। अगर बच्चा मोबाइल भी चला रहा है ना, तो आधा घंटा एक घंटा ही चलाएगा, बाकी उनका पढ़ने का समय है। हमारा बच्चा 4 घंटा 5 घंटा, और ऐसा माहौल हो गया कि हम कुछ बोल दें तो